सब? मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो नादों के तैयार हो गई हूँ, हल्का सा मेकअप किया है और थोड़ी बहुत मैंने गोल्ड की जो ज्वेलरी है मेरी वो भी मैंने पहनी है। तो आज मैंने राजस्थानी ओढ़नी पहनी है, तो कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है और कैसा लग रहा है मेरा लुक आज का। तो आज है 1 अगस्त और दिन है सोमवार का, तो आज मैंने भी फास्ट रखा है। तो मैं सुबह सुबह काम मेरा ख़त्म करके और नहा धो के और तैयार हो गई हूँ अभी। तो पीछे जो व्रत मैंने नहीं रखे थे सोमवार के, क्योंकि हमारे ताऊ जी की डेथ हुई थी ना, तो उसकी वजह से हमने नहीं रखे थे। तो अभी जो आगे 2 सोमवार के व्रत आएंगे वो मैं रखूँगी। तो आज भी मैं नहा धो के और तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार या व्रत वगैरह कोई भी होता है तो उसमें हम राजस्थानी ओढ़नी ही ज़्यादा पहनते हैं। तो मैंने भी आज राजस्थानी ओढ़नी पहनी है और आज की वीडियो में राजस्थानी ओढ़नी पहन के ही शूट करने वाली हूँ। तो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना, और अच्छी लगे मेरी आज की वीडियो तो लाइक भी कर देना। तो अभी मंदिर जा रही हूँ, आपको भी लेके चलती हूँ साथ। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, तो आपको भी भोलेनाथ के दर्शन करवा देती हूँ। तो चलते हैं अभी और मिलते हैं सीधा मंदिर में ही आपसे। तो अभी मैं जा रही थी मंदिर, मैं और जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो दोनों जा रहे थे मंदिर। घर के पास में ही है मंदिर, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम दोनों जा रहे थे और दापू भी जा रही है हमारे साथ में। तो अभी मैं मंदिर पहुंच गई थी और पहुंच के यहाँ पे करने लगी हूँ अभी पूजा। तो आप वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताना आप भी सब कि आप कैसे है वो पूजा करते हैं अपनी। मैं तो सबसे पहले दूध जो होता है उससे शिव जी को नहलाती हूँ और उसके बाद में बाकी पूजा करती हूँ। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आप कैसे करते हैं पूजा। और ये दाफू भी थी मेरे साथ में, ये आज स्कूल तो गई नहीं थी और यहीं पे थी। ये बता रही थी मासी ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे करना है सब कुछ, ये बता रही थी कि मैं भी पूजा करूँगी आपके साथ। अभी हम पूजा करके आ रहे थे घर, मंदिर से तो मैं पूजा करके आ गई थी और अभी घर आके जो मैं डेली रूटीन की जो पूजा है मेरी, तुलसी में जल चढ़ाना और बाकी जो पूजा मैं करती हूँ वो अभी करने लगी थी घर आके।
मंदिर तो मैं जाके आ गई हूँ, पूजा भी मैंने कर ली है, घर पे आके भी मैंने पूजा कर ली और मंदिर से भी मैं आ गई थी, और अभी बाकी जो काम है घर पे वो करने वाली हूँ। पहले तो कपड़े हैं वो चेंज करने होंगे और उसके बाद में बाकी जो काम है वो करूँगी। तो मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। अभी हो गया है दोपहर का टाइम और खाना वाना मैंने बना लिया है, सारा काम ख़त्म कर लिया है और अभी मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए थाली। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने व्रत के लिए क्या खाना बनाया है, कैसी थाली बनाई है मैंने आज, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बनाया है मैंने व्रत के लिए, ये थोड़े से बनाए हैं, ये चावल हैं, चाशनी के चावल बोलते हैं हम, तो वो बनाए हैं, और ये सब्ज़ी बनाई है, ये रोटी है और थोड़ा सा अचार लिया है मैंने। ये लग गई है मेरी थाली, आप लोग भी आ जाइए। तो इसमें मैंने कोई भी आज लहसुन प्याज का यूज है वो कहीं भी नहीं किया है, एकदम से सात्विक जो भोजन बोलते हैं वो मैंने तैयार किया है व्रत के लिए। मैं तो खाना दोपहर में ही खाती हूँ, व्रत करती हूँ, एक ही टाइम खाती हूँ दोपहर में। और आप लोग कब खाते हैं आप भी मुझे बताना कमेंट करके, और कैसा है वो खाना बनाते हैं खाते हैं व्रत, जब फास्ट रखते हैं व्रत करते हैं तब। आज की वीडियो का कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो मिलूँगी जल्दी ही अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।